हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है जातर। भगवान शिव जी आ चुके हैं, माता पार्वती जी का भाई टेस्ट लेने खुद आए हैं भाई। अब लेकिन आगे देखते हैं आगे होता है क्या? किस तरह से वो परीक्षा लेते हैं माता पार्वती की। फिलहाल तो वो भाई शिवलिंग भाई मांस चढ़ा रहे हैं खुद ही। तो अब आगे देखते काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। आई थिंक अभी नहीं चढ़ा सकते, लेकिन भगवान शिव जी ने चढ़ाया है और ये गायब हो गया। ये क्या? ये क्यों गायब होगी? हाँ लेकिन उन्होंने चढ़ाया है, वहां से साफ हो गया, गायब हो गया। ये समझ नहीं आया। अरे इंद्रदेव जी, इंद्रदेव जी भी अब हवा में उड़ रहे हैं भाई। वैसे मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, है ना? मतलब पूरे गेटअप में लग रहे हैं कि बाकी इंद्रदेव ना थोड़ा भरम वाला है। हाँ हम आपकी व्याकुलता का कारण समझ सकते हैं देवराज। क्या है? किंतु गुरु के अपमान से विवेक को क्षति पहुंचती है। ये तो है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु वो ये भूल रहे हैं कि वो देवगुरु इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें देवगुरु बनाया है। ओ, ओ। हमने मतलब अहंकार थोड़ा हमें लग रहा है ठुकरा के उन्होंने अपमान किया है हमारा। अलग उन्होंने बात तो क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है। जिस तरह दुनिया में चल रहा था। ज्ञात रहे देवराज, यदि स्वर्ग लोक पर देवताओं का आधिपत्य है तो गुरु बृहस्पति की कूट नीति और उनके गूढ़ युद्ध नीति के कारण ही। इसलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग लोक की रक्षा करना आपके लिए संभव नहीं होगा। गुरु गुरु ऐसे नहीं बनते। स्वर्ग के स्वामी हम हैं, देवताओं के राजा हैं हम। यार यदि तुम्हें से नहीं बच पाएंगे ना, हमसे अधिक विश्वास उस बृहस्पति पर है। यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से यह स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहाँ से जा सकती हो। मुझे लग रहा है तर्कसुर में क्यों के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ गुरु का सम्मान न हो वहाँ गंगा सरस्वती और लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं। हम ब्रह्मलोक लौट रहे हैं। उनके तर्कसुर से ये लोग लड़ नहीं सकते। इंद्रदेव, हमारे समान अन्य देवता भी स्वर्गलोक का बहिष्कार कर देंगे। अपने और आप अपने इस स्वर्गलोक में अकेले रह जाएंगे। मानेंगे इंद्र में इतनी चेंजिंग कैसे आई? यार मैं वही सोच रहा हूँ यार, क्यों अहंकार ले नहीं पा रहा मेरा कुछ। जीवन बीत जाता है अच्छे गुरु की खोज में, और गुरु सबको प्राप्त हो ये संभव नहीं। ये और ये जानती है गंगा माता जी। आप अपने सर्वोत्तम गुरु का अपमान कर उन्हें जाने दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई ग्लानी कोई पश्चाताप नहीं? यार इंद्रदेव जी बुला लीजिए गुरु जी। हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो गायब हो गए ना वो। हमारे द्वारा आपकी पूजा अर्चना में जो व्यवधान उत्पन्न हुआ वो हमारी भूल थी, किंतु हमारा ये आपसे निवेदन है कि अब हमें हमारी पूजा करने का अवसर दिया जाए। मतलब आप लोगों ने अपनी पूजा कर ली, अब मुझे प्लीज दें करें मैं पूजा कर लूं। प्रसन्न हुए सारे। हाँ इसे अपनी भूल का आभास हो गया है। ये ऋषि कश्यप जी है। और क्षमा कर आवाज। तो हम शिव भक्तों का आचरण है।
इनमें से कौन कौन है? आओ देव, जिस प्रकार आपने इनकी पूजा स्वीकार की उसी प्रकार हमारी पूजा भी स्वीकार कीजिए महादेव। वो पूजा कर चुके हैं, मतलब मांस चढ़ा के। अब आगे देखते हैं क्या होता है यार। माता पार्वती जी ने बोले कि मेरी भी आप ना पूजा स्वीकार करें, लेकिन भगवान शिव जी उनके सामने स्वयं खड़े हैं। पूजा कर रही है, भगवान का कबूल करें यार। नहीं हुए यार गायब, उन्होंने लगता है पूजा स्वीकार नहीं की। हाँ। माता पार्वती को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इनकी होगी मेरी क्यों नहीं हो रही, आई थिंक थोड़ा सा हो। क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे पुष्प नहीं? हाँ, मांस नहीं किया, ये क्या मांस से नहीं, भक्ति भाव और समर्पण से संपन्न होती है देवी। भक्ति से मैंने भी तुम्हारे समान कई विधियों और प्रणालियों का अनुसरण किया है, अपने शरीर की अग्नि से तपस्या की। शरीर की अग्नि से सैकड़ों वर्षों तक भूख और प्यास को तिलांजलि देश भक्ति भाव में डूबा रहा, तब जाके इस भाव का तात्पर्य समझ आया। कैसा भाव? शरीर से मुक्ति का भाव, नश्वरत्व की अनुभूति का भाव, संसार में समानता का भाव। फूलों को सुंदर और पवित्र मानकर भगवान को अर्पित कर दिया, किंतु उसे एक दिन वैसे ही छोड़ दो, ये दादीजी जी हैं, तो उससे भी दुर्गंध आने लगी। आवाज ऐसी है, फूल मुरझा जाएगी। तो स्नान करने से तुम्हें अपनी बाहरी पवित्रता की अनुभूति तो होगी, किंतु शरीर में निरंतर जो मल बन रहा है उसका क्या? दादीजी जी देखना कैसे लग रहे हैं। ये पवित्र और अपवित्र का भेद एक भ्रम है देवी। इस संसार में तो जो कुछ भी है, इनके लुक देख के मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। और जो शिव का है वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। वो शिव है, बिल्कुल एक चेंज जैसा था, अर्थात पवित्र है। हाय 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 हाय, जब भगवान शिव जी पहचाने जाते हैं। हम खुद शिव जी में डूबे हैं, डूबे हुए हैं तो भाई। हाँ। ये यार वाकई आज हमें सत्य का परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं पहचानेंगे यार। हमें शरीर भाव से मुक्त होना ही होगा। हाँ। हमें ज्ञान देने वाले गुरुदेव, आए हाय हाय, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने लक्ष्य को समझ गया, समझ ज्ञान दे रहे ना। हाँ, हर चीज जो दिल से वो इन्होंने कर दिया, ये नहीं कर पाया, भक्ति होती है ना एकदम, तो गुरु बन नहीं सकते थे। और सारे गहने मैंने इन्होंने निकाल लिए, मतलब ये आई थिंक उस तरह से दे लोगे जैसे गुरु को देखते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान शिव जी को क्या जरूरत है। ये क्या दिया है? आई थिंक कपड़े। अरे ये वही कपड़े येलो स्ट्राइप होता है जो मतलब के वनवास होता है यहाँ वनों से पहनते हैं। आई थिंक ये हो सकता है। ले भाई गुरु बन गए, उत्तम अति उत्तम यार। माता पार्वती जी प्राप्त करना तो तुम्हारा स्वभाव है, नश्वरत्व और समानता का ज्ञान तो तुमने पा ही लिया, सुंदर और कुरूपता का भेद भी तुमने अपने मन से मिटा दिया।
तुम्हारे चरण तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इन गहनों को एकत्रित कर लीजिए ऋषि दधीचि। दधीचि जी की भाई फुलन फुल बाद में लौटा देंगे। फुलन फुल खुश हुए हैं भाई। भाई वो उनको क्या ज्ञान दिया यार, जब उन्होंने मास चढ़ाया तो वो मतलब एक किस्म का समझो कि भगवान शिव जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिए थे तो ये खुद ही। लेकिन भाई जब इनकी इस माता पार्वती जी की बारी आई तो भाई उन्होंने कहा चलो मैं भी समय देती हूँ और भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि भाई आप भी मेरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा यार वजह। लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई बस सिर्फ भक्ति होती है भाई, भक्ति अगर आपका मन सच्चा है ना तो भाई मतलब जो कुछ आप करो वो मतलब वही बात है ना, अगर पानी का कतरा भी भगवान शिव जी को आप समारोह कर दो ना तो वो भी बहुत बड़ी चीज़। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे एक दिमाग में यार सवाल आ रहा है। अभी जिस तरह भगवान शिव जी ने मास चढ़ाया ना शिवलिंग, आजकल शायद ये मना है ये नहीं है वो तो उनको टेस्ट करने के लिए वो या उनका वो परीक्षण लेने के लिए आए थे ये कह रहे थे क्योंकि भाई हिंदू धर्म के अंदर यार मांस को मांस हमने सुना हुआ ओनियन हो गया गार्लिक हो गया इस तरह की मतलब जिसमें से स्मेल आती है। आई थिंक सो आई थिंक यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है ना। पूरी सब्जी है गार्लिक ओनियन हो मैंने सुना हुआ मुझे बताया हुआ है। अच्छा लेकिन ये चीज जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये चीज बताइएगा। और जिस तरह भीम खुरम जिस तरह उन्होंने फिर किया फिर उनको ज्ञान दिया इस तरह से फिर माता पार्वती जी को समझ आया और माता पार्वती इनका आप मेरे गुरु हैं जो जिन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। हाँ जर और सारे गहने मैंने सारे उतार के रख दिए और भगवान शिव जी ने कहा कि इनकी परीक्षा होने के बाद इनको लौटा दीजिएगा। और दूसरे से इंद्रदेव जी यार, अबे हाँ इंद्रदेव ये क्यों एकदम चेंज हो गया, जरा करना लाजमी है उनका पोस्ट चेंज हुई है तब से उनका रुतबा वो जैसे अहंकार नहीं होता यार, ये तो वही लग रहा है। पोस्ट चेंज की तो बात नहीं चल, वो बंदा बेशक करेक्टर चेंज हुआ है लेकिन उसी के बाद ही एकदम इनका जो है ना वो थोड़ा सा ये क्यों यार, ये वजह क्यों आ रही है, यानी कि हर चीज में मैं हूँ मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हालांकि गंगा माता जी ने भी बोला, लेकिन गंगा माता जी ने बोला कि सारे देवता फिर स्वर्ग लोग को छोड़ के चले जाएंगे, आविष्कार कर आप अकेले रहेंगे तो फिर को आप कैसे इस पे शासन करेंगे। तरकासुर ने तो वैसे ही हड़कों मचाया हुआ वो तो, और वैसे भी ये नहीं लड़ सकते तरकासुर, और वो वैसे भी स्वर्ग लोग पे मतलब के अपना शासन जमाना चाहता है बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं खुरम, अब आगे होता है क्या तो जल्दी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।